मैं विधानसभा लड़ूंगा और अलग से किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही। वीडियो बनाइए भैया, वीडियो सुनिए सुनिए। आप लोगों को जो कुछ करना होगा माइक दीजिए, माइक रहने दीजिए, रहने दीजिए भाई। बोलिए बोलिए। है नहीं भाई, सुनिए सुनिए, यहाँ पर चंदन जी कुर्सी के ऊपर चल लीजिए। कौन है वो? कौन है वो? आप अपनी बात बंद कीजिए, छोड़ दीजिए तुझे भाई। दंगाई लोग हैं, उनकी पार्टी भी दंगाई है। डाले माइक है, हम पर क्यों हमला कर रहे हैं? अभिषेक बिजन, अरे किसका होगा? राज का नहीं है। दरअसल यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था अख्तरुल ईमान साहब का, जितने भी लोग लाइव हैं आपको बता देना चाहता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब का प्रोग्राम हो रहा था जो कि हाट के उदा हाट में, और कुछ लोगों ने आकर जो है इस पर विवाद किया। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान और अजीजों, दूसरा वीडियो बनाइए, आप इसमें वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। स्विच है, स्विच दीजिए ना। नहीं नहीं स्विच नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब माइक को दीजिए। अरे भाई, अरे ये सब भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान और अजीजों, हम इस वक्त आप लोगों से, अरे हटिए ना भैया, आप हटिए ना, आप लोग इधर आइयो। बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, इस वक्त हम लोग एक जमहूरी मुल्क में
जमहूरी अंदाज से एक प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं और मामला ये है कि हर पार्टी को अपना काम करने का हक है और मैं समझता हूँ कि जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब का ये इलाका रहा है और ये सोची समझी साजिश के तहत इस प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं MIM के हर एक वर्कर को ये कहता हूँ कि आपको कहीं से भी मायूस नहीं होना है। जिसने पार्टी को धोखा दिया है उसका आवाम इंसाफ करेगी। हमको एक एक फर्द तक जाना है और हमको फिर से यहाँ पर अपनी बिखरी हुई ताकत को एग्जा करना है और अपना वर्कर को खड़ा करना है। हम किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है, हम निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जो लड़ाई है अगर आपको वो नहीं, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सुने, अगर बात करनी हो ये तरीका नहीं होता। हम बात करने आए अपने लोगों से, उन्हें करने दीजिए। उनका जो तरीका है वो जाने, हमारा जो तरीका है वो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने वर्कर को ये कहना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी उठे ही है जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, हक व अदालत और इंसाफ की लड़ाई के लिए। ऐसा हमने ये जाना है कि निजाम के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हमें उस तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। हम अपने वर्कर को कहते हैं कि आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी लड़ाई हिम्मत से लड़िए और किसी के कहने पर कुछ नहीं करने जाना है। आज अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी अपना तारुफ कर रहे हैं, वो अगर प्रोग्राम करा रहे हैं तो वो भी अपना तारुफ करा रहे हैं कि उनके प्रोग्राम कराने का तरीका क्या है। और इसके माने ये है कि इस इलाके में अब तक लोगों की आवाज दबाई गई है, लोगों को बोलने नहीं दिया गया है। इसके माने आज भी हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसका फैसला आवाम पर छोड़ दीजिए, है ना। आप लोगों को इसके मामले में कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मामला है, तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, हम उनकी इज्जत और तौकीर करते रहे हैं। उनके बेटे के बारे में उनकी मां ने टिकट तलब किया, हमने उस खातून की इज्जत की थी। अगर शहनवाज साहब चले गए हैं मुझको इसका कोई गम नहीं है। लोग आते और जाते रहेंगे, पार्टी कभी खत्म और तबाह होने वाली नहीं होगी। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब ने ही MIM में हमारी मदद की थी और जब 2015 का इलेक्शन लड़ रहा था, बावजूद है कि हम उस्ताद और शागिर के दरमियान में इख्तलाफ था, लेकिन उस शख्स ने हमारी पूरी हमायत की थी। और आज मैं समझता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ने का जो हौसला दिया था उस हौसले को लोगों ने कमजोर किया है। और तस्लीमुद्दीन साहब ने कहा दुश्मन के आंखों में आंख डालकर बात करो, और तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे कहाँ झुक गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप और हम नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब की रूह परेशान होती होगी कि हमने जिस बेटे को शेर की तरह आंख मिलाकर बात करने के बाद कही वो कहाँ झुक गया है, उसको सदमा और अफसोस होगा। इनको जो करना है वो करें, चूंकि हम लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर संजीदगी से करना था। इनका तौर तरीका लड़ने का है, झगड़ने का है। आपको कतन मायूस होने की जरूरत नहीं है। सियासी जिंदगी में इससे भी बड़े हालात आते हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। हम अपने पार्टी के वर्करों से कहेंगे आप संयम नहीं खोइए, आप सब्र के साथ, आप इस्तकलाल के साथ, आप इत्मीनान के साथ अपना काम करते रहिए। हम किसी फर्द से लड़ने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अकलियतों की हकमारी की है, जिसने सीमांचल की तरक्की होने नहीं दी है। हम सीमांचल की तरक्की के लिए, गरीब और मजदूरों के हक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कैसे घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने माइक वगैरह चुके तारवार छुड़ा दिया है, इसलिए प्रोग्राम वैसे भी चुके एक घंटे का प्रोग्राम था। मेरे सारे लोगों ने सारी बातें कही है। मैं यही कहूंगा कि आखिर वक्त में इन लोगों ने जो हालात बना दिए हैं, इसका सदमा और तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है। आवाम चाहती है तो आंखों पर बैठाती है, और यही आवाम।